अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हम लोग अभी बनिहाल स्टेशन पे हैं और आप लोग देख सकते हैं कितना सुहाना मौसम है यहाँ। फर्स्ट टाइम हम लोग अभी यहाँ जम्मू कश्मीर आए हैं, तो जम्मू कश्मीर में मैं आया, मैं सोचा कि आप लोगों को भी यहाँ यहाँ की तस्वीर, यहाँ के सीन सब जो है खूबसूरत वादी, उस चीज़ों की ज़्यारत कराऊँ। और बहुत खूबसूरत मनाजिर है, देख कर आपको हकीकत में दिल से खुशी हो। आप लोग देख सकते हैं कितना ब्यूटीफुल मौसम है, चारों तरफ से पहाड़ की ऊंचे ऊंचे मनारे नज़र आ रहे हैं और हम लोग यहाँ स्टेशन पे उतरे हैं। यहाँ देखने में ऊपर से बर्फ़बारी हो रही है, आप लोग देख सकते हैं कितना खूबसूरत लग रहा है और वंडरफुल मौसम है। यहाँ ठंडी कुछ ज़्यादा है, ये चीज़ है, और अगर अदर स्टेट से यहाँ कुछ ज़्यादा ठंडी है। मेरे साथ मेरे दोस्त वगैरह भी है, बहुत सारे दोस्त जो स्टेशन से बाहर भी जा चुके, और एक फ्रेंड है साथ में, उनसे भी उनके व्यूज जानना चाहेंगे कि यहाँ आने के बाद उनको कैसा फील हो रहा है और यहाँ के मनाजिर जो है सीन्स वो देखने में कैसा महसूस हो रहा है। क्योंकि हम लोग बहुत दूर स्टेट से आए, तो हम कैश भाई से, हमारे कैश भाई बहुत प्यारे हमारे दोस्त हैं, तो हम उनसे कुछ व्यूज लेना चाहेंगे। वालेकुम दोस्तों, हम अभी बनिहाल रेलवे स्टेशन पर हैं और अभी अभी हम लोग श्रीनगर बडगाम रेलवे स्टेशन से आए और यहाँ का मंजर बहुत ही सुहाना है, और मैं चाहता हूँ कि आप सभी दोस्तों को इस वीडियो के ज़रिए यहाँ का मंजर को दिखाया जाए। और यहाँ कितना बहुत ही सुहाना मतलब मंजर है, जो हम लोग पहले देखने के लिए बहुत ही इसको ये कर रहे थे कि किस तरह का मंजर होगा जम्मू कश्मीर का, किस तरह का सीन होगा, किस तरह की बर्फ़बारी होगी। आप देख सकते हैं कि ऊपर में कितना बर्फ़बारी हुआ है, और ये भी देख सकते हैं कि कितनी पहाड़ की ऊँचाई पर, चोटी पर बर्फ़ जमी हुई है। दोस्तों अब जो है हम लोग यहाँ से बनिहाल से हम लोग रामबन के लिए निकल चुके हैं गाड़ी से। अभी जम्मू कश्मीर के वादियों से होके हम लोग गुजरेंगे, तो जो ख़ास मौके होंगे और जो ख़ास जगह होंगी, जो जिन खूबसूरत जगहों की लोग दीद करते हैं, तो उन जगहों को मैं कोशिश करूंगा कवर करने की, और पूरी कोशिश करूंगा कि वो जगह जो खास जगह हैं हम आप तक पहुंचाएं और सही तरीके से शेयर करें। तो अभी तो हम यहाँ से निकले हैं, अब मैं आपको कुछ पिक्स दिखाना चाहता हूँ जहाँ से गाड़ी गुजर रही है। अच्छा फ्रेंड्स, तो अब हम लोग जो हैं चिनानी सुरंग के अंदर आ चुके हैं, और ये सुरंग काफ़ी लंबा है, तकरीबन गाड़ी से चलने में यहाँ 10 मिनट से ऊपर लगते हैं। और ये सुरंग बड़े बड़े पहाड़ों के बीच से होकर गुज़रता है, ये बहुत लॉन्ग सुरंग है और हमने शॉर्ट में कवर करने की कोशिश की, तो आप देख सकते हैं। Thank you.
जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये चिनाब नदी है, बहुत मशहूर नदी है जो जम्मू कश्मीर के वादियों से होकर गुजरती है और ये पाकिस्तान जाती है। अक्सर आपने न्यूज़ में और सुर्खियों में इसका नाम सुना होगा, तो आप इसे देख सकते हैं जिसका पानी कुछ अलग है बारिश के असरात की वजह से और मिट्टी वगैरह के मिल जाने से।